Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls School College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very new topic, that is counseling, its approaches and types. Okay, So let's start. First of all, हम लोगों को BA, BEd में जनरली और MA, MEd में काउंसलिंग, गाइडेंस इन काउंसलिंग का पेपर पढ़ना होता है. अक्सर ये ऑप्शनल पेपर होता है, बट ये सरल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं. तो हमेशा की तरह सरल तो है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो सरल चीज़ों का भी उत्तर नहीं दे पाएंगे. तो जानते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या है. तो हमने गाइडेंस से शुरू करना चाहिए था, बट मैं काउंसलिंग से शुरू कर रही हूँ, फिर गाइडेंस कवर कर लेंगे. गाइडेंस में मुझे आपसे गाइडेंस, इसका कंसेप्ट, नीड्स, स्कोप एंड गाइडेंस सर्विसेज की बात करनी है. ठीक है, तो काउंसलिंग से शुरू कर रही हूँ. काउंसलिंग क्या है और हिंदी में क्या बोलेंगे? गाइडेंस काउंसलिंग को निर्देशन और परामर्श या मार्गदर्शन और परामर्श बोला जाता है. तो अगर इसकी परिभाषा देखना चाहें तो वेबस्टर डिक्शनरी परामर्श को कैसे डिफाइन करती है? कंसल्टेशन, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस, डेलिबरेटिंग टुगेदर. यानी कि आपस में बातचीत करना है, कंसल्ट करना है, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस, यानी कि दो लोगों के बीच में, एक जो काउंसलिंग चाहता है और एक जो काउंसलिंग कर रहा है, उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान होगा और डेलिबरेटिंग टुगेदर, और साथ साथ काम करेंगे वो. रेन ने कहा, काउंसलिंग इज अ डायनेमिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु अप्रोच अ म्यूचुअली डिफाइंड प्रॉब्लम विद म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर ईच अदर टू द एंड दैट द यंगर और लेस मैच्योर और मोर ट्रबल्ड ऑफ द टू इज एडेड टू अ सेल्फ डिटरमाइंड रेजोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम. मतलब समझ में आया कि ये डायनेमिक है, पहली बात, मतलब चेंज होता रहता है, चलती रहती है, स्थिर नहीं है. पर्पसफुल है, यानी कि किसी उद्देश्य से जो काउंसिली है वो काउंसलर के पास गया है. और म्यूचुअली डिफाइंड प्रॉब्लम, वो उसने उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखी है, दोनों लोगों ने बातचीत करके प्रॉब्लम को डिफाइन किया है. और म्यूचुअल कंसिडरेशन, यानी कि काउंसलर काउंसिली की बात सुनेगा, काउंसिली काउंसलर की बात सुनेगा, और उसमें से जो लेस मेच्योर है, जो छोटा है या जिसके संग दिक्कत है, वो सेल्फ डिटरमाइंड रेजोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम, यानी कि अपनी समस्या के स्वयं समाधान की स्थिति में पहुंच जाएगा, उसको काउंसलिंग कहा जाता है. मेयर एम ओल्सन ने कहा, काउंसलिंग इज एन एक्सेप्टिंग, ट्रस्टिंग एंड सेफ रिलेशनशिप इन विच क्लाइंट्स लर्न टू डिस्कस ओपनली व्हाट वरीज एंड अपसेट्स देम, टू डिफाइन प्रिसाइज बिहेवियर गोल्स, टू एक्वायर द एसेंशियल सोशल स्किल्स एंड टू डेवलप द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू इम्प्लीमेंट डिजायर्ड न्यू बिहेवियर. यानी कि इस तरीके का बिहेवियर है जिसमें एक्सेप्टेंस है, जिसमें विश्वास है, जिसमें सेफ है, हम सेफ समझते हैं अपने आप को उनके अपने काउंसलर के साथ, और हम ओपनली डिस्कस करते हैं जो वरीज, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, ताकि हम अपने बिहेवियर गोल को डिफाइन कर पाएं, जो सामाजिक कौशल हैं ज़रूरी उनको ग्रहण कर पाएं, और एक अपने अंदर साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डेवलप कर पाएं, ताकि हमको नया बिहेवियर मिल जाए, यानी कि हम अपनी दिक्कत से निकल जाएं. कहने का मतलब ये है. अगर इसको कैरेक्टराइज करें तो काउंसलिंग इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू पर्संस विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में चलने वाली ये अंतः व्यक्तीय व्यक्तिगत क्रिया है, जिसमें कि दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस और सपोर्ट दिया जाता है जिनको कोई दिक्कत है. दीज प्रॉब्लम्स मे बी पर्सनल और इंटरपर्सनल. ये जो प्रॉब्लम है वो व्यक्तिगत हो सकती है या दो लोगों के बीच में हो सकती है. द इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड गाइडेंस इज नोन एज द काउंसलर. जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको काउंसलर कहा जाता है, और जो सपोर्ट रिसीव करता है उसको काउंसिली या क्लाइंट कहा जाता है. इट इज अ स्पेशल रिलेशनशिप. ये एक विशेष तरीके का सहसंबंध है. इट इज अ यूनिक हेल्पिंग रिलेशनशिप दैट अलाउज क्लाइंट्स टू लर्न, फील, थिंक, एक्सपीरियंस एंड चेंज इन सोशली डिजायरेबल वेज. इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो सीखता है, महसूस करता है, सोचता है, अनुभव करता है, और व्यवहार में अपने चेंज करता है सोशली डिजायरेबल तरीके से. The counseling relationship is collaborative, यानी कि दो लोगों के सहयोग से चल रही है. Client और counselor work towards the goals of counseling, ये counseling के goal की तरफ काम करते हैं. With the counselor acting chiefly as a facilitator of behavioral change, जिसमें जो counselor है वो हमको facilitate, यानी कि client को facilitate करता है कि उसके behavior में change आ जाए. To achieve the goals of counseling, the counselor uses his understanding of behavior, learning and interpersonal relationships to establish conditions favorable to client change. यानी कि client को favorable दिशा में बदलने के लिए काम करता है counselor. तो कहा जाएगा कि फिर ये psychotherapy लग रहा है. Counseling क्या psychotherapy है? नहीं, psychotherapy से अलग है. कैसे?
साइकोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बाय साइकोलॉजिकल मीन्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल थियरी। जब हम साइकोथेरेपी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डरों का वो ट्रीटमेंट है जिसको मनोवैज्ञानिक तरीके से और किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। साइकोथेरेपी इज कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हु आर हाईली ट्रेन्ड इन द फील्ड। और साइकोथेरेपी कोई नहीं कर सकता, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, ये कोई मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, कोई साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, कोई और मेंटल हेल्थ का प्रोफेशनल होगा वही कर पाएगा जो ट्रेंड हो, हाईली ट्रेंड हो। साइकोथेरेपी इज ए फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। साइकोथेरेपी जो बहुत ही एक फॉर्मल तरीके की औपचारिक और एक एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीका है, प्रक्रिया है। काउंसलिंग इज नॉट द सेम एज साइकोथेरेपी, काउंसलिंग साइकोथेरेपी नहीं है। बोथ नॉर्मल एंड साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड पर्संस कैन बेनिफिट फ्रॉम काउंसलिंग। यानी कि नॉर्मली पर्सन को भी कोई दिक्कत है, वो साइको डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, उसको भी काउंसलिंग दी जा सकती है। पर्संस डू नॉट नीड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम काउंसलर्स। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हमको काउंसलर बनने के लिए नहीं चाहिए। While a degree of training can prove extremely helpful, research has shown that for persons with mild emotional disorders or interpersonal problems, teachers, elders, and other experienced persons can produce as good results as to professional psychotherapists. Counseling is far less formal and structured than psychotherapy. Counseling के लिए थोड़ी training की जरूरत है, psychotherapy के लिए psychotherapist बनने के लिए ज़्यादा training की जरूरत है, वो किसी psychological disorder के लिए है, और counseling normal लोगों की भी की जा सकती है। ये less structured और less formal है psychotherapy के तुलना में। अब आपको पढ़ना है टेक्निक्स और अप्रोच, टेक्निक्स और अप्रोचेज एक ही बात है और टाइप्स। तो जब टेक्निक्स और अप्रोच आप काउंसलिंग की देखने जाएंगे तो आपको तीन मिलेंगी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव। यानी कि आप एक बार निर्देशी, मतलब आप परामर्श में निर्देशन भी दे रहे हैं, और एक अनिर्देशीय परामर्श है, और इक्लेक्टिक काउंसलिंग को उदार परामर्श भी कहते हैं। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या है, हम काउंसली को, क्लाइंट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम ये काम कर लो। जैसे डायरेक्टिव काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हियरिंग ए पर्सन्स इमोशनल प्रॉब्लम्स, डिसाइडिंग व्हाट ही शुड डू एंड देन टेलिंग एंड मोटिवेटिंग हिम टू डू इट। इसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्ति की जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसके लिए क्या सही है, और उसको कहते हैं कि ये वो कर ले, उसको मोटिवेट करते हैं वैसा करने के लिए। अंडर द डायरेक्टिव काउंसलिंग द काउंसलर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट रीऑर्डिनेशन। दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज अदरवाइज नोन एज काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग, क्योंकि इसमें काउंसलर इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लाइंट की प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि हमको पता है, चूंकि हम ट्रेंड हैं, चूंकि हम जानते हैं दिक्कत क्या है, हमने समझ लिया है दिक्कत क्या है, तो हम काउंसलिंग को ये मोटिवेट करते हैं कि वो ऐसा कर ले। इसके फीचर्स क्या होंगे, ड्यूरिंग द इंटरव्यू अटेंशन इज फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स सोल्यूशन। जब हम इंटरव्यू लेते हैं अपने क्लाइंट का तो हम समस्या पे फोकस करते हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू द काउंसलर प्लेज अ मोर एक्टिव रोल देन द क्लाइंट और प्यूपिल। काउंसलर का रोल ज्यादा एक्टिव है, द प्यूपिल और क्लाइंट मेक्स द डिसीजन बट द काउंसलर डज ऑल दैट ही कैन डू टू गेट द काउंसली और क्लाइंट टू डिसाइड टू कीप विद हिज डायग्नोसिस। यानी कि काउंसलर जो है वो डिसीजन लेता है। द काउंसलर ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ द काउंसलर और क्लाइंट बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग हिम। जो काउंसलर है वो कोशिश करता है कि जो काउंसली है उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाए, उसको हम उसके लिए सूचना देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, उसको एडवाइस देते हैं कि ऐसा कर ले। इसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो होंगे, पहले तो एनालिसिस, आप पता करिए कि प्रॉब्लम है क्या, फिर सिंथेसिस, उसको ऑर्गेनाइज करिए, समराइज करिए सारी प्रॉब्लम्स उसकी, फिर डायग्नोसिस, पता लगाइए कि क्या प्रॉब्लम का कॉज क्या है, फिर प्रोग्नोसिस, दिस स्टेप इंप्लाइज प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट ऑफ पीपल। यानी कि हम कुछ फ्यूचरिस्टिक बता सकते हैं कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा भविष्य में तुम्हारे साथ, और काउंसलिंग, फिर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और फॉलो अप, फिर उसके बाद पीछे से जाकर देखते भी हैं, दोबारा चेक करते हैं कि वाकई जो हमने उसको सलाह दी वो उसके काम आ रही है कि नहीं, कितना इफेक्टिव है। तो ये स्टेप्स, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग और फॉलोअप, ये स्टेप्स चलते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग में। और इसमें रोल ऑफ काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलर को ही सब कुछ समझना है, उसी को प्रॉब्लम समझनी है, उसी को सोल्यूशन बताना है, फिर क्लाइंट को मोटिवेट भी करना है कि वो उसको कर ले। तो इसलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर हमको देता है, उसी तरह से इसमें हमको काउंसलर प्रिस्क्रिप्शन बताता है कि ये काम कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। तो काउंसलर का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आ गया, इसमें हम क्लाइंट को डायरेक्शन नहीं देंगे, उसकी प्रॉब्लम समझेंगे, समस्या सुझाएंगे और उसको खुद चुनने देंगे उसे क्या करना है।
इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग द क्लाइंट और प्यूपिल नॉट द काउंसलर इज द पिवट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें क्लाइंट या प्यूपिल इंपॉर्टेंट है, वही एक्टिव रोल प्ले करता है। काउंसलर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता है, काउंसलर सिर्फ उसको चीजें समझाता है और सब कुछ एनालाइज करने के बाद क्लाइंट खुद करता है। सिंस द काउंसलिंग इज गिवन फुल फ्रीडम टू टॉक अबाउट हिज प्रॉब्लम्स एंड वर्क आउट ए सोल्यूशन, दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड परमिसिव काउंसलिंग। क्योंकि हम उसको बात करने के लिए सब परमिशन देते हैं कि आप ये भी ठीक है उसको सुनते हैं प्रॉपरली। इसमें स्टेप्स क्या फॉलो किए जाएंगे, प्यूपिल और इंडिविजुअल कम्स फॉर हेल्प एज द काउंसलिंग। प्यूपिल या जो इंडिविजुअल है हमारे पास हेल्प के लिए आता है, हमको समस्या या सिचुएशन डिफाइन करता है, फिर काउंसलर क्या करता है उस समस्या को समझने की कोशिश करता है, फिर काउंसलर एक्सेप्ट करता है कि वो क्या उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग है, फिर उसके बाद हम उसको फ्री एक्सप्रेशन का पीरियड देते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, और उसके बाद उसको पॉजिटिव स्टेप्स बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो। लेकिन क्लाइंट हम उसको कहते नहीं है कि तुम्हें ये करना है, उसके पास ऑप्शंस उसको सुझा देते हैं, उसको खुद चुनना है कि उसे क्या करना है। तो इक्लेक्टिक काउंसलिंग, अब डायरेक्टिव में हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, नॉन डायरेक्शन डायरेक्टिव में डायरेक्शन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो इक्लेक्टिक में दोनों को मिला दिया है। एक तरीके से ये बेहतर काउंसलिंग है क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है और हम कोई नियत उससे नहीं चलते हैं कि हम डायरेक्टिव ही देंगे या नॉन डायरेक्टिव देंगे। जैसी सिचुएशन इमर्ज होगी, हो सकता है हमने सोचा हो हम डायरेक्टिव काउंसलिंग देंगे लेकिन बाद में हम नॉन डायरेक्टिव पे शिफ्ट हो जाएं, या नॉन डायरेक्टिव से शुरू करके डायरेक्टिव पे शिफ्ट हो जाएं, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई काउंसलिंग है। थोड़ा मैं जल्दी चल रही हूँ बिकॉज ज्यादा पोर्शन कवर करना है और इजी है, बस आप कंसेप्ट समझ जाइए, आप खुद लिख सकते हैं। फीचर्स क्या है, मेथड्स ऑफ काउंसलिंग में चेंज फ्रॉम काउंसलिंग टू काउंसलिंग, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, फ्रीडम है, क्लाइंट और फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क का एडजस्टेड हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और फेथ की बात होती है इक्लेक्टिक काउंसलिंग में। अब आ जाइए इसकी जो टाइप्स है, तो टाइप्स दो ही तरीके के हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग या ग्रुप काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग का जो जनरल मतलब हम लोग समझते हैं, हमें लगता है कि काउंसलिंग इंडिविजुअल ही हो सकती है क्योंकि वन टू वन बात करनी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बात करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ग्रुप काउंसलिंग भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ग्रुप काउंसलिंग? ग्रुप काउंसलिंग इज काउंसलिंग विद मल्टीपल इंडिविजुअल्स फेसिंग ए सिमिलर कंसर्न। मान लीजिए बहुत सारे लोगों की एक ही दिक्कत है तो आप उनको ग्रुप में काउंसलिंग कर दीजिए, है ना, तो उससे क्या होगा कि इसके कुछ फायदे हो जाएंगे। कैसे? क्लाइंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से सीख जाएगा कि अच्छा हाँ इनकी भी यही दिक्कत है, कैन प्रैक्टिस न्यू इंटरपर्सनल स्किल्स, उसके पास कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, उसको दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा, है ना, एक दूसरे को हम फीडबैक देंगे तो हमको पीयर सपोर्ट भी मिलेगा, हम अपनी आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे कि हमें लगेगा कई लोगों की यही प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारे साथ ये दिक्कत है तो ये ग्रुप काउंसलिंग का कंसेप्ट है। तो आपसे ये खत्म हो गया, आई थिंक गुड काउंसलर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कभी कभी पूछ लेते हैं अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए, उसको जिस क्लाइंट से बात कर रहा है उसके कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए, उसको जीवन का कुछ अनुभव होना चाहिए, वो मेच्योर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और उसके अंदर ये मोटिवेट ये होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए ये कि वो दूसरे सामने वाले अपने क्लाइंट को मोटिवेट कर सके कि वो बेहतर करे। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें तो काउंसलिंग क्या है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जिसमें हम क्लाइंट को की समस्याओं को समझ के उसको निर्देशन तो गाइडेंस हो गया। फिर इसकी टेक्निक्स या अप्रोचेस करेंगे तो डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक। डायरेक्टिव में हम उसको दिशा बता देते हैं कि तुम ये करो, नॉन डायरेक्टिव में हम समस्या को समझ के समाधान सुझाते हैं, दिशा नहीं बताते हैं। इक्लेक्टिक में हम दोनों चीजों को मिला सकते हैं, मतलब डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव का मिश्रण है इक्लेक्टिक। फिर अगर टाइप्स देखें तो आप इंडिविजुअल काउंसलिंग, तो ये ऑब्वियसली काउंसलिंग तो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती ही है, लेकिन ग्रुप काउंसलिंग भी हो सकती है, यानी कि बहुत से लोगों की अगर एक ही समस्या है तो आप उनको समूह में भी परामर्श दे सकते हैं। और एक अच्छे परामर्शदाता की ऑब्वियसली ये विशेषता होनी चाहिए कि वो बढ़िया बोलता हो, उसके पास बुद्धि हो, समझ हो, हल्की थोड़ी ट्रेनिंग हो, मेच्योर हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, बढ़िया लिसनर हो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए। तो ये एक गाइडेंस काउंसलिंग एक इजी पेपर होता है, लेकिन आप पढ़कर जाइए ताकि चीज़ों के सही उत्तर लिख सकें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत सवाल गाइडेंस काउंसलिंग से पूछे जाते हैं। फिर इसमें थेरीज भी हैं, जैसे कार्ल रोजर्स की थेरी चलती है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है ना। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।